सत श्रीकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। और मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? आई हो बढ़िया होगे, मेरे तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों, आज है संडे, मतलब छुट्टी का दिन है, लेकिन आज एक अपने सब्सक्राइबर पहुंचे हैं अपनी वर्कशॉप पर, और इसीलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि वो बेचारे मैनपुरी यूपी से आए हैं, मतलब उनके पास ट्रॉली है। बाकी आपको भी देख कर, मतलब आपको भी चलकर दिखाता हूँ, और लेट हो गया, बल्कि मैं 11:15 हो चुके हैं, और धुंध इतनी है, कोहरा इतना है कि गाड़ी भी बहुत लेट, मतलब 10:45-11 बजे तक गाड़ी मेरे पास पहुंची है, और सुबह आना था गाड़ी को। तो चलो बाकी देखते हैं चलकर क्या दिक्कत है उनके टायरों में, ट्रॉली के टायरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो गाड़ी दोस्तों आ चुकी है वर्कशॉप पर, और देखते हैं इसमें दिक्कत क्या है। विपिन भर रहा है घोड़ी वगैरह, लोड है गाड़ी, 40 टन माल है। क्या हाल है जी? बढ़िया। आप ही हो ड्राइवर? क्या हाल है? ठंड का काम हो रहा है। चलो ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है? ये तो कह रहे थे नई है ट्रॉली। कितनी पुरानी, कितनी पुरानी ट्रॉली है? ये छह महीने हो गए, 6-7 महीने पुरानी है बस। मैं तो 1-1.5 साल ही सोच रहा था। अच्छा, ये टायर अंदर बाहर करे हुए हैं आपके यहाँ? अभी करे होंगे, 2-4 दिन पहले ही। अच्छा, चलो ठीक है। लेलैंड है क्या? अच्छा, 55-25 लेलैंड। हाँ। तो दोस्तों 6-7 महीने पर भी ट्रॉली है, और दिक्कत क्या है इनको टायरों की, और इसमें इन्होंने, इनके मालिक का कहना है कि एक्सल लगवाए थे नए, टाटा के एक्सल लगवाए थे, और टाटा के एक्सल ही हैं दोनों। और मतलब इसमें जो दिक्कत है, ये तो तुम्हारे एक्सल ही बहुत ज्यादा, मतलब नीचे कोई तो वैसे ही दिख रहे हैं, बैंड हो रखे हैं। अब ये 6 महीने में बताओ एक्सल बैंड हो गए टाटा के। अब इसमें पत्ती लगाएंगे, उनसे मेरी बात हुई दोनों एक्सलों में, और इसे करेंगे जैसे भी, देखते हैं। तो दोस्तों इसमें एक्सलों में मतलब बैंड देंगे, और जैसे भी होगा। वजन कितना चलते हो? वजन वजन 40 बस, ज्यादा से ज्यादा नहीं, 40 बस, 45-50 भी नहीं, नहीं, बट ठीक है दोस्तों, 40। हाँ, अंडरलोड ठीक है। टायर तो वैसे इनके लगभग सही हैं, थोड़े टायरों में दिक्कत है, जैसे कि ये वाला टायर है तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे फ्यूचर, इन फ्यूचर कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उससे एक्सल क्रैक होने की और दबने की, मतलब जो शिकायत है वो इनकी दूर हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो में क्या करते हैं। दोस्तों लोड गाड़ी में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है, घोड़ी वगैरह, 40 टन माल है सब कुछ। नहीं, जब से तुम 6 महीने हुए गाड़ी हो, कितने दिन बाद अंदर बाहर करते हो? ये तो 15 दिन महीना में करते ही हैं अंदर बाहर। 15 दिन में ही? महीना में करते हैं। ऐसा है, इनको बिना पूछे अंदर बाहर नहीं करने, अब तुम मेरे पास आए हो तो, क्योंकि वो चीज़ सही नहीं होती, और आप लोग पहले ही उसे अंदर बाहर कर देते हो, इसीलिए ये टायरों में दिक्कत होती है। अभी वो टायर बराबर नहीं होता, और आपने पहले अंदर बाहर कर दिया, तो उधर से घिसना होता है, वो दूसरी साइड से घिस जाता। पहले ये घिसा हुआ था, यही घिसा हुआ, बिल्कुल जी घिसा हुआ था। अब ये दबा लगी, अब ये नहीं दबा रही, अब ये है घिसा हुआ था, अब ये नहीं दबाएगी, अब ये घिसाएगी। ये तो पहले ही डाउन है, अब ये नहीं घिसेगा, अब ये घिसेगा। अब ये देखो, ये घिस रहा, अब ये घिस रहा है, ये नहीं घिसेगा, ये अगर तुम घुमा के लगाओगे तब घिसेगा। उस टायर में दबता है ना? कौन से वाले में? नहीं, पियो चाय लो। कौन से वाला? ये जो टायर है ना, ये जो ऐसे, ये आपका या तो डाउन चला है, और ये टायर का मैंने वो डाउन नहीं चला सब। ये टायर जो है ना, ये एक साइड डाउन चला है, मतलब कि एक ही गुड्डी दबा रखी है इसकी, बाकी टायर आपका सही है। देखो सारा ये अंदर था ना पहले, अंदर कैसे हो जाएगा ये अगर बाहर करोगे? तो खोल फिटिंग में कराया ना अंदर यार, ये खुद ही, ये देखो, आ जाओ मैं दिखाऊं, आ जाओ इसका एक देखो, यो एक गुड्डी बस दबी हुई है ज्यादा, सिर्फ एक ही गुड्डी है सबसे ज्यादा दबी हुई है, बाकी टायर सही है, इतना नहीं है। तो ये गुड्डी ज्यादा, जो पहले हिस्सा इधर था, मेरी बात मानो, ये टायर 101% डाउन चला। डाउन का मतलब ये होता है पंचर चल जाए, या फिर हवा कम चल जाए। अब तक कोई टायर पंचर नहीं हुआ, और 180 पॉइंट से नीचे हवा नहीं रही। ठग लियो गेज में, एक मिनट। और दोस्तों लोड इतना है, और देखिए मतलब ये यहाँ से ये कितना हल्का सा बैंड। अब देखो लोड में इमरजेंसी, यही तो हम कई बार मना करते हैं, अभी लोड में थोड़ा सा रिस्क होता है। 160 है इसमें,
ये कब कराई थी हवा आपने चेक, कुछ आइडिया? कितना टाइम हुआ? नहीं कितने दिन बताओ, 5-4 दिन, 10-20 दिन, महीना हो गया के 15 दिन? 11 तारीख 15 दिन हो गए, 15-18 दिन हो गए। हाँ तो जिस टाइम उसने करी होगी या उस टाइम हवा कम चला होगा या कुछ भी चलाओ, वो ये उसी टाइम का खा रखा है, अब ये बराबर होने में टाइम लेगा। ये वो उसने तो हवा वाले ने तो हवा करी देनी, 100 होगी। कितनी? 80। हाँ भाई ये क्योंकि उसमें 90 है तो इसमें भी 90 ही होनी चाहिए थी, उसमें 90 है 100 और दूसरे वाले 190 है तो इसमें 160 है, तो ये कम हुआ होगा। ये तुम्हें नहीं पता लगेगा, अंदर वाले टायर में हर एक बंदा हवा नहीं करता, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। चलो खैर कोई बात नहीं, ऐसे लगेगी पत्ती, आओ दिखाऊं तुम्हें, आ जाओ। ये देखो दिखा दिया उसको। हाँ ऐसे लगती है इनमें पत्ती, ये भी ट्रॉली के लिए तैयार है, ट्रॉली नई बन रही है और ये मालिक ने सबसे पहले एक्सल हमारे पास भेजे और वो कह रहे भी है रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अभी पहले इसको 40 से 50 टन तक का बिल्कुल तसल्ली के साथ आप रेडी कर दो। अब हमने बैंड किया, उसके बाद नीचे देखो गुल्ले के जोड़ से गुल्ले के जोड़ तक ऊपर ये वाली भी एक्सल ऐसे किया और ये वाला भी, और टाटा के ही एक्सल हैं, यही सेम काम तुम्हारे वाले में करना। और ये सादा वेल्ड नहीं है, ये मिग वेल्ड है, मिग वेल्ड बहुत कम बंदे हैं जिनको पता है वही करते हैं, नहीं हर एक बंदा नहीं करता, इसकी मजबूती काफ़ी होती है। वेल्डिंग हमारे पे सादा भी है, दोनों हैं अपने पास। आ जाओ देखो, अभी ये तो घोड़ा है, अभी अंदर वाला टायर देखो ज़रा, और ये बाहर वाला देखो, और इसमें भी 101% ये टायर खा रखा है, इसमें ट्यूब एक्सल की दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार टायर बिगड़ गया वो हाथ नहीं आता दोबारा फिर। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके, आई होप बढ़िया होगे, मेरे तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये 6-7 महीने पुराना ये ट्रेलर है और लेलैंड 55-25 घोड़ा है 10 चक्का। और दोस्तों ये भाई जो आए हैं मैनपुरी से आए हैं, यूपी से, और मतलब इनको टायरों से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब टायरों में दोस्तों कुछ तो ये एक्सल हो गए, बताओ 40 टन में ये एक्सल बैंड हो चुके हैं, और क्योंकि हमें इसलिए पता है क्योंकि ये मैंने आने के बाद गाड़ी को चेक किया था नीचे एक्सलों को, तो वो बिल्कुल बैंड हो रखे हैं। अब ये एक्सल इतने मतलब ज़्यादा नरम होंगे ये मुझे आइडिया नहीं था। ये टायर अंदर बाहर करे ही नहीं फिर, कितना टाइम हो गया इन्हें? कितने? हाँ तो इसे अंदर बाहर कर लो, बचत हो जाएगी टायरों की, और इन्हें अंदर बाहर करके कम से कम 1 महीना चलाना, बच जाएंगे टायर तुम्हारे। और ये भी यही पोजीशन है, अंदर बाहर कर लो इन्हें भी, पहले वो पिछला काम करके फिर देखियो। मेरे ख्याल से करे ही नहीं हुए इनको, टाइम से अगर अंदर बाहर नहीं करोगे टायर खा जाती है। इधर तो अलग अलग लगे हुए हैं, ये भी अंदर बाहर होने वाले हैं टायर सारे, ये होने वाले। तो दोस्तों इसका हम खोल रहे हैं एक्सल, मतलब दोनों एक्सल करने हैं, और इनको एक्सलों को ऐसा बना देंगे दोस्तों मतलब दादाले पोता वर्दे, और वो कैसे बनाएंगे वो आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों मतलब ये जो एक्सल आते हैं ना स्टैंडर्ड आते हैं, और इनको प्रेस करना ही पड़ता है, इनके मालिक का कहना है जब ये ट्रॉली बनी है तो ये दबाकर लगाए गए हैं, और अगर इनकी मालिक साहब की माने तो दोस्तों ये अगर दबकर लगे होते तो ये टायर ना खाते और बिल्कुल बैंड हो चुके हैं 6-7 महीनों में। और ये जो हब है इसकी भी कालरें हल्की हल्की कटी हुई हैं, चलो वो बाद की बात है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और इनके ग्रीस में भी थोड़ी दिक्कत है, तो चक्के भी ग्रीस करवाएंगे, देखने में तो सही लग रहा है लेकिन मैंने कहा चलो जब खुल ही रहा है तो करवा लो ग्रीस, कोई दिक्कत नहीं है। और बस इसको एक्सलों को दोस्तों मेरी तो समझ में ये नहीं आता, मतलब लेलैंड की एक्सल हैं लेकिन वो बैंड नहीं होती इतनी जल्दी। A few moments later. तो दोस्तों जब तक एक्सल खुल रहे थे तो मैंने सोचा चलो जो इसके नीचे सपोर्ट लगानी है पत्ती की, और वो पत्ती कटवा कर ले आते हैं, क्योंकि काम दोस्तों जितना जल्दी निपटेगा अच्छी बात है, और पेंडिंग काम तो खैर छोड़ना ही चाहिए। तो ये मैं पत्ती कटवाने आया हूँ, और दोस्तों एक्सलों को बनाएंगे बिल्कुल लोहा लाट। तो दोस्तों एक्सल खुल चुका है, जब तक मैंने पत्ती कटवाई और लेकर आया हूँ, और देखिए आपको भी दिख रहा होगा वीडियो में एक्सल बैंड हो रखा है, ऊपर को उल्टा हो रखा है। तो चलो खैर कोई बात नहीं, अब दोस्तों ये चीज़ जब होती है मतलब जब ट्रॉली जहाँ बनती है ना, तो उनका फर्ज ये होना चाहिए जहाँ ट्रॉली वाले कि एक्सल को बैंड करके लगवाएं। क्योंकि दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जहाँ ये ट्रॉलियाँ बनती हैं, तो सबसे पहले ट्रॉली बनने से पहले जो उनके ट्रक मालिक होते हैं एक्सल हमारे पास भेज देते हैं, और उसको हम करते हैं लोहा लाट, जैसे इन वाले एक्सलों को हम करेंगे आज। और दोस्तों एक्सल हम अंदर ले आए हैं, सेम ऐसे ही दूसरा एक्सल करेंगे,
फिलहाल तो तुमको एक एक्सल की, आप जितने अपने भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको इस एक्सल की मैं हालत दिखा देता हूँ। मतलब ये एक्सल दोस्तों है तो ऊंचे मॉडल के, इनके मालिक का कहना है कि हमने नए लिए। नए कैसे लिए दोस्तों? कवाड़ी से लेकर आए, लेकिन थे ये ऊंचे मॉडल के ही, 12 चक्की गाड़ी के लग रहे हैं। चलो खैर कोई नहीं, नए लो पुराने लो, सब एक जैसे ही होते हैं। अब दोस्तों जो एक्सल होते हैं ना, भारत बेंज के हुए, लेलैंड के हुए, आइसर के हो गए, तो ये एक्सल कहीं ना कहीं टाटा के एक्सलों से काफ़ी मजबूत हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भी, एक्सलों के मामले में आपकी क्या राय है, मतलब मजबूत कौन से होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये टाटा के एक्सल हमारे पास काफ़ी आते हैं, मतलब कोई क्रैक हो जाता है, चलो वेल्डिंग के लिए आ गया, टायर गाड़ी खा रही है तो एक्सल में प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि बहुत नरम एक्सल होते हैं। 40 टन वजन का जहां इनको जंप मिल गया, ये उल्टे हो जाते हैं, तो मतलब इनको खोल के हर 6 महीने बाद, साल बाद दबाना ही पड़ता है। एक साल में एक दो बार तो खुलते ही खुलते हैं ये एक्सल, टाटा ही कोई भी गाड़ी हो, चाहे ट्रेलर हो, चाहे 10 चक्का 12 चक्की कोई भी गाड़ी हो। और लेकिन इसको हमने बचाने के लिए, मतलब बचाने से मतलब है कि अगर ये हम आज एक्सल खोल दिया तो इसको हमने लोहा लाट इसलिए बनाना है कि ये कम से कम 2 से 3 साल से पहले खुले ही ना एक्सल, इसको हम ऐसा लोहा लाट बना देंगे। और दोस्तों वैसे वीडियो की स्टार्टिंग में आपने, मैंने ड्राइवर साहब से पूछा कि इसमें जो दोस्तों एक टायर खा रखा है ना, वो काफ़ी बुरी तरीके से खा रखा है, बाकी टायर इतने नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी हवा कम होगी ना, वो टायरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टायर में हवा कम चली होगी, इसीलिए टायर ये गाड़ी गलत खा गई है। लेकिन ये भी हम ही देख कर बता सकते हैं गाड़ी को, लेकिन ये हर एक ड्राइवर भाई तो ऐसे ही कहेंगे, मतलब नहीं सर टायर खा गई, क्योंकि देखो सारे अपने भाई हैं। और जो टायर लगे होते हैं दोस्तों गाड़ियों में, इनकी अगर हवा आप कम कर दोगे ना, मतलब आप करोगे नहीं, आप तो गाड़ी चलाओगे, मतलब ये दोस्तों गाड़ी जब उल्टे सीधे रास्तों पे चलती है तो हवा ऑटोमेटिकली, चाहे उसमें ट्रक नहीं, मैं कार की भी बात करूं, बाइक की भी बात करूं, तो हर एक टायर की हवा कम होती है। और ये तो लोड पे चलती हैं गाड़ियाँ, अगर ये 20-40-50 पाउंड कम हवा पे भी चल गई ना, तो ये टायर उधड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और इनके साथ ज़्यादातर मोस्टली वही काम हुआ है। और ये भाई को मैंने कहा ये डाउन चलाओगा, और भाई कह रहा नहीं ये डाउन नहीं चलाओगा। लेकिन दोस्तों टायर में 140 और 160 पौंड हवा हमने बाद में नपवाई, और आगे वीडियो में भी आप देखेंगे मैं आगे नपवाऊंगा उससे, क्या कहते हैं टायर वाले से, और आप जब देखना। लेकिन मुझे भी, मैंने जब ड्राइवर साहब को बताया, मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि 180 से हमने आज तक कभी कम नहीं रखी, लेकिन ये चीज़ उन भाइयों के लिए जो भाई कह रहे थे, मतलब जो इनके ड्राइवर साहब हैं, कि भाई हमने तो 180 पौंड से कभी हवा कम रखी नहीं है, तो आगे दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये देखिए, ये एक्सल हमने प्रेस तो कर दिया, लेकिन इनमें दिक्कत ये आती है, ये देखिए एक मिनट रुकिए, ये देखिए ये यहाँ से ये ठिप्पे उतार कर इसे ठिप्पे लगाते हैं जो ट्रेलर बनाते हैं ना, ये देखिए ये क्रैकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है इनमें, क्योंकि गैस वेल्डिंग से वो कटिंग करते हैं कोई भी अपना ट्रेलर वाले भाई हैं, तो यहाँ से ये दिक्कत हो जाती है, ये देखिए। तो दोस्तों एक्सल को हमने बैंड कर दिया है, और जितना हमको 40 टन के हिसाब से इन्होंने बताया 40 टन गाड़ी में भरना है, तो 40 टन के, ये देखिए दूसरी ट्रेलर हमारे यहाँ पर बन रहा है। चलो ये तो गाड़ी बाहर से आई है, ये उसके एक्सल पड़े हैं। तो उधर तो पत्ती वेल्डिंग करने की तैयारी चल रही है, और इधर ये मैंने सामान मंगवा लिया था दोस्तों, क्योंकि चक्के ग्रीस हो रहे हैं। और ये दोस्तों अब टाटा की ओरिजिनल इसमें ग्रीस मंगवाई है, जो टाटा कंपनी की है, और वो इसमें ग्रीस करेंगे जेल। और इधर ठंड बहुत ज़्यादा है, और ड्राइवर साहब सेक रहे हैं आग। और दोस्तों दोपहर के 1 या 1.5 बज रहा है, और इतनी ज़्यादा ठंड है, मतलब आज पूरा बहुत ज़्यादा ठंड है, काफ़ी ठंड है। तो पत्ती हमने मंगवा ली थी दोस्तों, इसको कटिंग करके और एक्सल के नीचे वेल्डिंग करेंगे, और कैसे करेंगे वो आगे आप पूरी वीडियो में देखेंगे, और वीडियो के एंड तक पूरी वीडियो देखना दोस्तों, तभी आपको समझ आएगी सारे काम की। और इसके बाद में हम जो टायर हैं उसमें हवा भी चेक करवाएंगे, और ड्राइवर साहब फिर खुद मानेंगे हाँ भाई यार, मतलब हवा कैसे कम हो गई। और बाकी वीडियो के एंड में उनसे भी बात करेंगे भी आपको काम तसल्ली से मिला है या नहीं मिला, जैसा भी है पूरी वीडियो एंड तक देखें, आपको सब कुछ समझ आएगा। और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप के नाम से है, आप वहाँ जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहती है। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को।
ठंड पूरी लग रही है आज। कुर्सी ले जाता था, कुर्सी ज्यादा और लग रहा है। हाँ बैठ के ज्यादा लगती है ठंड में। और उधर अंदर दोस्तों पत्ती के नीचे मतलब एक्सल के नीचे पत्ती वेल्ड हो रही है, और इधर चक्के भी मैंने ग्रीस करवा दी हैं, क्योंकि जैसे आधे घंटे का काम है। और आज का दिन मतलब दोस्तों ये गाड़ी आई थी सुबह 12 बजे, तो आज पूरा एक दिन लग गया दोस्तों इनके चक्के ग्रीस और एक्सल करने में। और कल को इस गाड़ी को रवाना करेंगे, कल को दूसरा एक्सल भी, लेकिन उसकी तो मैं छोटी छोटी क्लिप आपको एंड में दिखा दूंगा, क्योंकि वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और दोस्तों अभी हमने एक्सल के नीचे जो पत्ती लगाई है, अब ये गाड़ी में चाहे 40 टन भरो चाहे 50 टन, लेकिन ये एक्सल बैंड नहीं होगा, चाहे उसमें इसको झटका लग जाए वो एक अलग बात है, चलो ऊपर वाला ना करे, कोई ऊंची नीची बात हो जाती है, लेकिन ये वजन से ये मतलब एक्सल प्रेस नहीं होगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये एक्सल की वजह से टायर गाड़ी बिल्कुल नहीं खाएगी, दोनों जो हम एक्सल करेंगे ना, क्योंकि हमने उसका लेवल ऐसा कर दिया है, और अगर दबना भी होगा तो उसे ये पत्ती जो हमने नीचे वेल्ड करी है ये उसे रोकेगी, इसलिए नीचे पत्ती लगाई जाती है मजबूती के लिए। तो दोस्तों इधर तो एक्सल वेल्ड हो रहा है, बाहर चक्के भी ग्रीस हो चुके हैं, और ये जो शू प्लेट है इसको नीचे से कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने पत्ती लगाई है इसलिए आप देखोगे। तो ये देखिए दोस्तों जो हमने शू प्लेट कटिंग करी है, और ये देखिए अभी आपको दिखाता हूँ, उतनी कटिंग करी है जितनी हमने पत्ती लगाई है, उसी हिसाब से इसको हमने कटिंग कर दिया है, तो अब ये फिटिंग होने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो फाइनली दोस्तों एक्सल बिल्कुल रेडी है, और ऊपर के ठिप्पे वगैरह जहाँ से क्रैक थी, ये मतलब ये देखिए ये सारा यहाँ से वेल्ड कर दिया गया, और मिग वेल्ड करा नीचे भी और ऊपर भी, सादा वेल्ड का कोई यूज़ नहीं किया। गुरु नानक वर्कशॉप में जो भी काम होता तसल्ली के साथ होता, बाकी आप भाई लोग जितने भी हैं अपने देखते ही हैं। और ये चीज़ है दोस्तों, ये ठिप्पे उखाड़ करना, जो टाटा ट्रेलर बनाते हैं जो मतलब इसको मतलब उखाड़ के गैस वेल्डिंग से उखाड़ते हैं, तो यहीं से डंडा जब हम प्रेस करते हैं पावर प्रेस पर, उसके बाद यहाँ से क्रैक आ जाता है, और 101% डंडा हर डंडा यहाँ से टूटता है। अब ट्रेलर वाले भाइयों को तो ये चाहिए, या तो इसके ऊपर ही ठिप्पा बनाए या इसको उखाड़े मत। A few moments later.
तो एक एक्सल तो दोस्तों हमने फिट कर दिया है, बाकी करेंगे अगले दिन कल को, क्योंकि आज शाम के 4 से 5 बजे हुए हैं। दोस्तों इधर ये ट्रॉली आई है, इसकी वीडियो मैंने कल डाली थी और जिस भाइयों ने नहीं देखी है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। ये देखिए सपोर्ट, और ऐसा समझदार ड्राइवर हमने पहले कभी नहीं देखा। इसकी वजह से ये जो सपोर्ट टूटी थी वो ड्राइवर साहब को रास्ते में मिली, मतलब स्लो चला रहे थे गाड़ी, वो पूरी डिटेल उस वीडियो में है। आओ जी तुम इस साइड के ना टायर लगा लो, चेक करा लो ना, एक एक करके तब तो लगा चुका है। अरे यार ये काम पहले करवाते ना, करवा लो फटाफट, कितना चेक ही कराना, ले जाओ उसे का यहीं ले आएगा लैन गेज, अगर सही हुई तो उठा के लगा देंगे, और मैं बताता हूँ कैसे लगाने टायर। देख सही आ रही है, इसमें कितनी है, उसमें 140 है बेटे, वाह जा कर ला फिर, तू भी कर ला। जब भी तो ये साढ़े आधे टायर यूं ही तो खराब हो जाए, ये हवा ही नहीं छोड़ते पूरी, दोनों में पूरी 180 कर ला। बताओ टायर लगवाने लगे थे, अब ड्राइवर साहब ने हवा देखी तो हवा 200 इतनी कम है, मतलब 160 में है, एक में 140 है, बताओ आधे टायर तो यूं ख़त्म हो जाते हैं। चार कितनी निकली हवा, 140 160, अब बताओ हवा कुछ, मैं ये कह रहा हूँ इसको ही कहते हैं हवा डाउन चलना, ये तो पता नहीं लगता कि रोड पे गाड़ी चलती है, आपको थोड़ी पता ना, हमें पता ना, मालिक को पता, ये तो जब ढीला होना इसने हो ही जाना, और फिर हवा कम होती चली जाएगी और टायर उड़ाते चली जाएगी गाड़ी। होगी 180 बट ठीक है, बस रुक जाओ मैं टायर बताऊँ कौन सा चला है। पकड़ियो दोनों ही टायर ऐसे हुए बड़े यार, ये अंदर का रखा था ना, दोनों ही ऐसे हो रहे हैं। ऐसे करो ये टायर लगाओ वही वाला अंदर भी, हाँ वही अंदर करो, और ये मुझे 15-20 दिन में दिखानी है गाड़ी हर हाल में, ये ध्यान रखियो बस, हाँ ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं फिर ऐसा ना, ये अभी थोड़ा सा ही, ये 10-15 दिन तक के ही टायर हैं, उसके बाद ये दबने स्टार्ट होंगे, वो इसके हिसाब से काम के हिसाब से नहीं, अगर टायर एक ही जगह तुम 4 महीने लगा के रखोगे ना, गाड़ी बिल्कुल नई भी हो जब भी वो टायर दबना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे कुछ भी करा लो ना उसमें, ये थोड़ा सा इसका हिसाब देखने की जरूरत होती है रेडियल टायरों में। भाई ये लगा दो तुम अंदर, इसे बाहर कर दो। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और टायर वगैरह मैंने पिछले एक्सल के बिल्कुल तसल्ली के साथ जैसे हमने लगवाने थे और लगवा दिए हैं, और दोस्तों ये जो अगला एक्सल है ये खोलेंगे हम सुबह, और टायर मैंने बिल्कुल तसल्ली के साथ, एक टायर बहुत ज़्यादा खा रखा है मैंने, कहा ये तो सही तो होने का नहीं लेकिन बराबर हो जाएगा, अब तो जो चीज़ खा गई, और एक्सल देखिए बिल्कुल हमने 40 टन के हिसाब से कर दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली सुबह बहुत जल्दी इसी वीडियो में, आइए Later. तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप, मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों पिछला एक्सल आपने कल देख लिया था हमने कैसे किया, और सेम ऐसे ही हमने ये एक्सल खोल लिया है, और इसके भी चक्के वगैरह ग्रीस होंगे, तो एक्सल को हम प्रेस करके अंदर ले आए हैं, प्रेस करके और फिर करेंगे पत्ती वेल्डिंग। तो दोस्तों ये बस सिर्फ 4 से 5 मिनट की वीडियो और है, और जहां हमने दोस्तों इनका एक्सल वगैरह काम किया, और इधर ये टैंकी के ऊपर अभी 6 महीने पहले गाड़ी बनकर तैयार होकर आई थी, और इनका ये इन्होंने टैंकी के ऊपर मतलब टैंकी को बचाने के लिए तेल चोरों से और वैसे भी मतलब ऊपर बक्सा लगवाया था, तो उनके कब्जे वगैरह टूट गए थे, और वो इन्हें बाडी वालों से हम करवा रहे थे, तो ये कहने लगे कि बिल्कुल मजबूत कराना है, तो बहुत हल्का था तो काफ़ी हैवी, लेकिन अंदर से चीज़ पता नहीं अब 6 महीने में कैसे एकदम इतना मतलब ये चीज़ें ख़राब हो गई, उधर एक्सल भी दब गए, इधर ये मतलब ये दिक्कत होगी, इनके लिफ्ट में भी प्रॉब्लम है, वो भी मैंने कहा अगले चक्कर आना तो उसको भी देखेंगे, वो पत्ती वगैरह क्रैक थी उनकी, तो चलो खैर कोई नहीं, ये तो बॉडी वालों का काम था 15-20 मिनट का, उनका काम हो गया ख़त्म, बस अपना भी काम दोस्तों निपटने में ही है, ज़्यादा कुछ काम नहीं रह गया। अब देखिए दोस्तों कहने को तो ये नए डंडे थे,
लेकिन इस पे जो जहाँ से ट्रॉली बन के आई है सादा वेल्ड मार रखा है टिपो पर, और ये डंडे भी क्रैक हैं, वो भी डंडा क्रैक हो गया था ऊपर से, और ये भी डंडे क्रैक हैं, और लेकिन इनको अब करेंगे तसल्ली के साथ मिग वेल्डिंग। तो दोस्तों एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, आपको ये देखिए अभी दिखाता हूँ, ये ठिप्पे जो हम एक्सलों के खोलते हैं ये यहाँ से क्रैक इसलिए होते हैं, मतलब जब ये ट्रॉली वाले बनाते हैं ना तो ऊपर जो 10 टायर के ठिप्पे लगे होते हैं उसको ये गैस वेल्डिंग से काटते हैं, और वहाँ से क्योंकि एक भी गैस वेल्डिंग का अगर यहाँ से झीरी आ जाती है ना, और आ ही जाती है जब गैस कटर से काटते हैं, ये देखो ये ठीक है ना, तो वहाँ से ये जब भी हम प्रेस करते हैं तो वहाँ से ये क्रैकनेस आ जाती है, या तो जितने अपने जो ट्रॉली बनाने वाले भाई हैं मतलब ये यहाँ से मतलब ठिप्पे ना कटिंग करके उसके ऊपर ये लगा दो, और गैस कटर से कट के दिक्कत हर एक्सल में यही दिक्कत आती है, इसलिए ये ऊपर से एक्सल टूटते हैं। हो गया जी काम तसल्ली से, अब तसल्ली से काम हो गया, बिरजू का चिमटा वाला नहीं है, चिमटा वाला क्या है, इसके लिए तुम इसके बिना तो चलो कोई काम नहीं रुकना, इसके लिए फिर स्पेशल आना मैं तुम्हें बता दूंगा ठीक है नहीं, जो इसका काम है ना, इसका काम फिर एक दिन का पूरा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि 5-10 मिनट का काम, क्योंकि वो खोल लेगा फिर बंधेगा, ये चला के चक्कर वक्कर मार के नाले मुझे टायर चेक करवा देना ठीक है नहीं, और एक तुम्हारा अगला, अच्छा वो तो कर दिया टैंकी का काम, तो होगी तसल्ली अब तो बस ठीक है, तो तैयार है, इधर के टायर लगाओ ना, इधर के टायर लगाओ क्या, अच्छा लगाओ रे री, तो फिर बाद में लगाइयो, ये रकाबे खिंचवा लेना एक बारी ठीक है ना, हाँ वहाँ जाकर, हाँ ये टायर तो वैसे ही, ये टायर अब कोई हिलाने नहीं है ठीक है नहीं, हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना, वेल्ड कर दी ना, हाँ बट ठीक है, ठिप्पे भी वेल्ड हो गए, वो भी वेल्ड हो गए, बट ठीक है। तो दोस्तों गाड़ी का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और रकाबे खींच रहे हैं, टायर वगैरह सब लगवा दिए जैसे मुझे लगवाने थे, दोनों एक्सल इनके हो चुके हैं, और जो 40 टन में बिल्कुल एक्सल बैठ गए थे, और टाटा के एक्सल नए लगवाए थे इन्होंने, मतलब पुराने लिए थे लेकिन थे बिल्कुल नए जैसे ही, और बाकी आपने वीडियो में सब कुछ देख ही लिया, गाड़ी बिल्कुल रेडी है, और 40 टन के हिसाब से हमने एक्सल किए हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए पत्ती वगैरह बिल्कुल, अब बस रकाबे की तैयारी है गाड़ी को भेजने की, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टाइम, वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय 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 और बाय बाय। बिल्कुल अभी 8-10 5-7-8 महीने पुराना घोड़ा है ये बस।